Bajao! Murderer! Bajao! कैसे सचिन? हम ठीक है अनिल काका, बताइए कैसा ना हुआ? यार एक तो तुम ये हमको काका काका बोलना बंद करो, हम तुम्हारे काका नहीं है, बाबूजी हैं तुम्हें, तुम हमको पापा बोला करो। आप हमारे पापा नहीं काका जी, बताइए क्या काम है, यहाँ क्यों आए आप हमारे हॉस्टल? हम तुमको लेने आए, कल और परसों तुम्हारी छुट्टी है ना? छुट्टी तो है लेकिन इस हफ्ते हम घर नहीं जा रहे, हमारे इम्तहान है। अम्मा जी को बता दिया हमने सब, अगले हफ्ते वो हमका लेने भी आ रही है। अरे लेकिन तुम पढ़ाई घर पे भी कर सकते हो ना, घर वालों से मिलोगे तो बात करोगे, उनको अच्छा लगेगा और तुमको भी अच्छा लगेगा। एक काम करो, चलो सामान मांगो। ये डब्बा रख लो, अगला हफ्ता हम और सिर्फ हम आएंगे तुम्हें लेने। सुनो, हमरा अलावा अगर कोनो और आदमी आया तुम्हें लेने तो जाने का कोनो जरूरत नहीं है, समझे ना? अम्मा जी ये बात आप हमको चार बार बता ही चुकी है और हम चार बार समझ भी चुके हैं। अजीत भैया आप जाइएगा ना सचिन के हॉस्टल, वो तो आपके जगह से ज्यादा दूर नहीं है। तुम कोनो बात का चिंता मत करो गीता, हम बराबर खबर लेते रहेंगे सचिन का। वैसे भी जो हॉस्टल है ना बहुत बढ़िया है। वही तो हम इनको समझावत रहे अम्मा जी को मामा जी, लेकिन इनको तो बस फिक्र करने का कोनो बहाना चाहिए। हम भी चलेंगे सचिन भैया को छोड़ने, फिर मामा जी हमें पूरा शहर घुमाएंगे। जरूर घुमाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुमने मामा जी को बहुत ही तकलीफ होगी तुम दोनों को यहाँ छोड़ जाने में, और वो तो अपने घरे जाएंगे ना। और देखो बच्चियों, जब हम अगली दफा आएंगे ना तो तुम दोनों को खास तौर पर ले चलेंगे शहर घुमाने के लिए। और हम जब अगली बार आएंगे ना तुम दोनों के लिए चॉकलेट ले आएंगे। हमारे लिए दो, हमारे लिए तीन, दोनों के लिए चार चार, खुश। लेकिन हे बाबू एको बात का ध्यान रखना, अकेले कबो नहीं आओगे तुम, हमरे संग आओगे, हम आएंगे तुम्हें लेने, का समझे? नहीं अनिरुद्ध काका, हम आपके साथ नहीं चल रहे। अरे लेकिन तुम्हें अम्मा खुद चाहती है तुम्हारे साथ चलो, उनको अच्छा लगेगा। हमारे पास मोबाइल है काका, और अम्मा जी के पास हमारा नंबर भी, अगर वो चाहती है कि हम आपके साथ आए वो हमका जरूर बता दें। अरे चलो देवी का पूजा सब देख के तुमको खुश हो जाएगा लोग। काका जी आप यहाँ से जाइए, हम आपके साथ नहीं आ रहे। जब बात आती है अपने बच्चों की सुरक्षा की तो हर माँ के अंदर एक कुदरती अंतर्ज्ञान होता है, आभास होता है, एक इंट्यूशन होती है, और इसी की वजह से सचिन की माँ गीता ने उसे बार बार चौकन्ना किया था कि वो किसी और के साथ हॉस्टल से बाहर ना जाए। सचिन ने इस बात पर अमल तो किया लेकिन उसने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि अनिरुद्ध उससे मिलने आया था। कौन था ये सचिन का अनिरुद्ध काका? ये शख्स दरअसल सचिन की माँ गीता का दूसरा पति था। अनिरुद्ध गुप्ता और उसके छोटे भाई सुजीत गुप्ता ने मिलकर सचिन को लेकर एक साजिश रची थी। दुर्भाग्यवश सचिन को इस बात को लेकर कोई आभास नहीं हुआ, इंट्यूशन काम नहीं कर पाई। चाचा एक मिनट देखना, जरा आते हैं। बहुत समझाया यार, ससुरा मान नहीं रहा। माने घर में तीन ही आदमी होगा, गीता देविका और पूजा। सुनो लड़कियों, स्कूल से सीधा घर आना है। अम्मा हमको भी अभी सचिन भैया की तरह हॉस्टल का ही नहीं भेजती, हमका नहीं जाना हॉस्टल। तुम दोनों फिजूल की बात लेकर बैठ गई,
जब भेजना होगा तब भेज देंगे हॉस्टल, समझी? अब चलो, स्कूल के लिए देरी हो रहा है, चलो भागो यहाँ से। भैया पहले इन तीनों को ही मार देते, आसान होगा। एक औरत है, दो बच्ची है। और सचिनवा उसका कैसे करेगा? बचना नहीं चाहिए भाई। तो एक हफ्ता बाद घर आ रहा है ना। अरे लेकिन चारों का मरना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है ठीक है, पहले इन तीनों को मार देते हैं, फिर उसका देखते हैं बाद में। ठीक है, उसके तुरंत बाद सचिनवा का नंबर लगा देना, लेकिन याद रखना हमारा नाम नहीं आना चाहिए भाई। यशवंत है ना? हाँ यशवंत। कैसी हो गीता? बस ठीक है यशवंत भैया। ओ अपना सचिन ठीक ठाक है ना नया हॉस्टल में? जी अभी तक तो सभी कुछ ठीक ही चल रहा है। अब बहुत दूर का फिक्र मत किया करो, एक एक दिन बढ़िया से कट जाए ना वही ठीक है। हाँ चलते। भैया वो यशवंत के ऊपर इल्जाम लगाना आपका जिम्मा है, अपना तय हुआ था बात। वो हम देख लेंगे, तुम्हारी प्लानिंग कहाँ है, मतलब कैसे करोगे? मंदिर का आखिरी आरती शुरू होता है शाम 8 बजे, 8:30 तक चलता है, और वो आरती का शोर इतना होता है कि कुछ सुनाई नहीं देता है। घर में चाहे कितना भी चिल्ला लें, गीता पूजा और देविका, कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। बस 8 से 8:30 बजे के बीच हम घर में घुसेंगे और तीनों को मार देंगे, वो जिम्मा हमारा है। अरे लेकिन यशवंत वो तो बगले में रहता है ना, चिल्ला चिल्ले होगा तो उसका पता नहीं चलेगा। अरे हम खुद मुआयना किए हैं भैया, वो आरती के शोर में कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है, हम खुद चिल्ला चिल्ला कर देखे हैं। ऐसे शुभ काम में देरी का है, तुम जाओ तीनों का काम लगाओ, बाकी यशवंत को हम संभाल लेंगे। ऐसा फंसाएंगे ना ससुरे को कि बच नहीं पाएगा। और सुनो उसके बाद सचिनवा को मारना बहुत जरूरी है। हाँ 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 करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, चारों का काम तमाम करना पड़ेगा। अनिरुद्ध गुप्ता अपनी पत्नी गीता मंडल और गीता की पहली शादी से 3 बच्चे सचिन, देविका और पूजा, इन चारों के कत्ल की साजिश कर रहा था, और उसका साथ दे रहा था उसका छोटा भाई सुजीत गुप्ता। आखिरकार ये गुप्ता बंधु ये नरसंहार क्यों करना चाहते थे, और गीता के पड़ोसी यशवंत मंडल पर झूठा इल्जाम लगाने का प्लान क्यों बना रहे थे? जा रहे उस बला के पास? ये गीता तुम्हें बर्बाद कर देगी। हम अपने काम से जा रहे बाबूजी। काम से तो आ रहे हो ना बाबू, कहे देते हैं हम, वो औरत या के चक्कर में पड़े ना तो सच में काम से जाओगे कहीं के ना रहोगे। अब फिर से भाषण सुनाना जरूरी है का? हम कोने दूध पीते बच्चे नहीं है जो हर रोज इस घर में हमसे सवाल किया जाता है। सवाल तो एक ही है बेटा, अगर तुम अपने जिद पे अड़े रहे और उस 3 बच्चन के अम्मा से ब्याह किए तो एक बात जान लो, हमारे घर से, हमारी जमीन से और हमारे बचत का एक को हिस्सा नहीं पाओगे तुम। तो हम कहाँ करेंगे, हम उससे शादी करने जा रहे हैं? ये तो आप खुद जिद पकड़ के बैठे हैं कि मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब हम करें तो करें, क्या करें बताइए? हम बताते हैं क्या करें, मेहरबानी करके वो औरत के चक्कर में पड़ना छोड़ो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, सारा रिश्ता ना तो खत्म करो। अब फिर से भाषण सुनने की हिम्मत नहीं है हमारा, हम जा रहे अपने काम से, हमको आने में देर होगा, आप लोग खाना खा लीजिएगा। कभी ऐसा ही कर दो। आरती शुरू होने से 15 मिनट बाकी है। हाँ लेकिन यशवंत के घर से गीता के घर जाने में 15 मिनट तो लग ही जाएगा। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारा यहीं पे इंतजार करेंगे, तुम जाओ तीनों का काम खत्म करो। ठीक है जाओ। देविका आजा बेटा खाना लगा दे। आई अम्मा।
नहीं पूजा, सीख कुछ अपनी देवी का दीदी से। आजा हाथ बटा, खाना खाएंगे सब साथ में। ठंडा हो रहा है बेटा, आई जाओ। आई अम्मा। नरसंहार करने निकले दो भाई अनिरुद्ध और सुजीत गुप्ता ये मानकर चल रहे थे कि मंदिर की आरती की ऊंची आवाज में गीता और उसकी बच्चियों की चीखें दब जाएंगी। पर क्या गीता कभी जान पाई थी कि उसे अपने ही पति अनिरुद्ध से खतरा हो सकता है? दुर्भाग्यवश इस सवाल का जवाब है हाँ। गीता इस संभावना से वाकिफ थी कि उसे अनिरुद्ध से खतरा हो सकता है। गीता को आगाह करने वाला और कोई नहीं बल्कि यशवंत मंडल था, उसके पहले पति का बड़ा भाई और उसका पड़ोसी भी। सुनिए जी, महेश भैया चल बसे, इसमें गीता का क्या कसूर है? कौन बोला कि गीता का या किसी का कसूर है? हम तो बस ये बोले हैं कि ये अनिरुद्ध जो है ये ठीक आदमी नहीं है। लेकिन काहे काहे जीजी? तुमसे कहा बताएं गीता, ये अनिरुद्ध जो है ये हमारा और महेश का फूफा का लड़का है, बचपन से देखे हैं उसको, अब उसको हम ठीक से जानेंगे कि तुम लोग बदलते नहीं है का? और वैसे भी वो गीता को पसंद करता है। कौनो पसंद वसंद नहीं करता है, बेशरम आदमी है बेशरम। ये जो अनिरुद्ध है ना, ये कौनो न कौनो छुपा इरादा से तुमसे शादी का बात कर रहा है, और ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है और तुम्हारे बच्चों के लिए भी। जिम्मेदारी तो उठाना दूर का बात, वो कब कहाँ कर जाएगा का कौनो भरोसा नहीं। दोबारा शादी करना कौनो गलत बात नहीं, अच्छा बात, पर आदमी तो ढंग का होना चाहिए ना गीता। एक बार अपने भाई अजीत से कहो कि कौनो बढ़िया आदमी हो तो देखेंगे तुम्हारे लिए। हमसे कहो, हम और ज्योति देखेंगे कौनो आदमी तुम्हारे लिए। क्या सोचा? सबका मंजूरी होना जरूरी है अनिरुद्ध, हमरे जेठ तो तुमरे सख्त खिलाफ है। अरे तुमरे जेठ जी को मारो गोली, ये बताओ बच्चों ने क्या कहा? अम्मा अनिरुद्ध को कहा हमरे बाबूजी कैसे बन सकते हैं? बाबूजी की जगह कौन उन्हें ले सकता अम्मा? और अगर शादी हो भी गई ना तो भी मुका बाबूजी नहीं कहेंगे, हमरी तो समझ में नहीं आ रहा। अम्मा तुम दूसरी शादी काहे करना चाहती हो? जिंदगी अकेले बिताना आसान नहीं होता, तुम तीनों अभी छोटे हो,
हमें भी तो सहारे की जरूरत पड़ेगी ना। अम्मा तो हम बने तुमने सहारा, किसी और को बीच में लाने की कहाँ जरूरत है? है बिटुआ। नहीं अम्मा, नहीं है। हमारा तीनों बच्चा लोग हमसे नाराज है, सब मना कर रहा है, कोई कबूल नहीं करेगा। अरे एक बार हमारी शादी हो गई ना तो सब कबूल करेंगे। और वैसे भी हमको कोई किसी की पड़ी नहीं है, हमको पड़ी है सिर्फ बच्चा लोग की, क्योंकि वो अब हमारी जिम्मेदारी है। सचिन देविका और पूजा की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब अब मिलके करेंगे गीता। पर सबसे बैर लेना अच्छा बात है का? तो क्या प्यार की कुर्बानी देना अच्छी बात है? हमारी तरफ से कोई राजी नहीं होगा। और तुमको क्या लगता है हमारे अम्मा और बाबूजी हंसी खुशी शामिल होंगे? एक तो वो तुम्हारा मामरा भाई महेश की विधवा है। हाँ तो क्या हो गया विधवा है तो? गीता अच्छी लड़की है, एक बार आप और अम्मा जी मिल कहने लेते उससे। अरे हम तो उसका चेहरा भी नहीं देखेंगे, और तुम जो उधर गए ना तो तुम्हें भी घर से निकाल देंगे, और जो तुम हमारा नाम अपने नाम के पीछे लगाते हो ना वह वापस ले लेंगे। अरे ऐसी क्या कमी है उसमें? उसमें जौन है तौन है, लेकिन असली खोट तुम्हारी बुद्धि में, जो तीन बच्चन के अम्मा से ब्याह करने चले हो। भरी जवानी में अधेड़ हो जाओगे, किस किस को संभालोगे? अरे हम सब संभाल लेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। अरे आप चुप रहिए अनिरुद्ध भैया, आपका नियत तो पहले ही से खराब था। अबे सुजीत, ऐसे आरोप लगा के क्या बकवास करे, तुमको पता है क्या खराबी में हमारी नियत में है? अबे जा कहाँ रहे हो बताओ। अबे उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सुनने की जरूरत है। अगर तुम उधर गए ना तो तुम हमारे लिए नहीं रहे। लाओ डब्बा। हम अम्मा बाबूजी के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे लिए आसान है, हमारे लिए नहीं। दुनिया चील कौवे की तरह हम पर नजर टिकाए हुए है कि कब हम फिसले और कब नोच लिया। और अगर हम ये सब आसान कर दें तुम्हें लिए तो? अब ये बात का काम मतलब हुआ? मतलब ये कि नोच खाने वाली दुनिया को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमने शादी कर ली। देखो तुम्हारे तीनों बच्चा लोग के साथ अपने घर पर रहना, हम अपने अम्मा बाबूजी के साथ अपने घर पर रहेंगे, लेकिन शादी तो हमारी हो चुकी होगी, हम पति पत्नी भी होंगे, हम बच्चा लोग की सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, हम हर रोज तुमसे मिलने आएंगे। क्या बोलती हो? इतना सोचो मत गीता, जिंदगी सबसे बहुत छोटी है, इतना सोच विचार के उसको और छोटी मत बनाओ। हाँ बोल दो गीता, तुमको हमारे प्यार का वास्ता है। हाँ बोल दो। प्रेम का वास्ता देकर अनिरुद्ध गुप्ता गीता मंडल पर जबरदस्त मानसिक दबाव डाल रहा था। हैरत की बात तो ये है कि वो ये दबाव गीता के विधवा होने के बाद से नहीं, पहले से डाल रहा था, जब वो अनिरुद्ध के ममेरे भाई महेश की पत्नी थी। ए गीता, ए ए गीता, गीता काहे हमरा पीछा करते रहते हो अनिरुद्ध? मधुमक्खी फूल के पीछे कहा जाती है गीता? गीता भौजी, गीता भौजी है हम तुम्हारी, तुम्हारे महेश भैया की धर्म पत्नी। लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश ना करना कहे देते हैं। कितनी बुरी एक्टिंग करती हो, रामलीला में तुमको कोनो सीता माता का भी रोल नहीं देगा। तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आता है कि जितना प्यार हम तुमसे करते हैं ना उतना प्यार तुम भी हमसे करती हो। एक बार अपने आप से सच बोल दो गीता, और हमारे पास आ जाओ, हम तुमको ऐसी जिंदगी देंगे ना जो तुम जैसे सुंदर औरत का हक है। तुम तो अपने मन में ना जाने काका कहानी बना लिए हो, हमका तुम्हें कोनो दिलचस्पी नहीं है, तुम बस जाओ यहाँ से, हम शादीशुदा है। और एक बात सुन लो, हम तुम्हारे महेश भैया के साथ कोनो दगाबाजी कभी नहीं करेंगे। ए, 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 गीता, ए, ए, हमारी बात सुनो। तुम हमारी बात सुनो, हम अब तक तुम्हारे महेश भैया को तुम्हारी इस बदतमीजी के बारे में कुछ नहीं बोले, कहे कि दो भाई दो परिवार वालों के बीच में फूट नहीं डालना चाहते थे, लेकिन अगर तुम हमारी जिंदगी में फूट डालने की कोशिश करोगे ना तो हम आगे पीछे नहीं देखेंगे, सीधा जाके तुम्हारे महेश भैया को सब कुछ सच सच बता देंगे। उसके आगे जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं। अरे अब तो कबूल कर लो कि तुम्हारे दिल में हमारी लिए मोहब्बत थी, शादी के लिए हाँ तो कह दो। अरे अब तो महेश भी नहीं इस दुनिया में, तो धोखा देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। महेश मंडल गीता का पति लंबे अरसे तक बीमार रहा। थक गया हूं गीता, अब तो ऊपर वाला या तो हमें ठीक कर दे या हमको ऊपर बुला ले। नहीं बाबूजी, ऐसा मत बोलो, आपको कुछ हो नहीं होगा। ए बच्चा लोग अंदर जाओ, हमको तुम्हारी अम्मा से कुछ बात करनी है। हमको मालूम है, अंदर से मालूम है हमको। क्या बात कर रहे हैं, कहाँ मालूम है आपको? अब हम ज्यादा दिन नहीं जिएंगे।
ए सुनो गीता, अब रोना धोना नहीं, बच्चन के लिए तुमको मजबूत होना होगा। हम पूरा इंतजाम कर दिए है, ये घर है तुम्हारे नाम पर, दो दो ठेले हैं, मतलब जिंदगी में पैसों का खातर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तुमको ना बच्चन को, उनको पढ़ाओ लिखाओ, अपन अपन पैरों पर खड़ा करो उनको। हम सब कुछ बेच बाज कर आपके इलाज करवाएंगे, कुछ जो नहीं उन्हें देंगे आपको। हम तोरे और बच्चन के लिए पीछे क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं हम बताते हैं। चल बसने के कुछ ही दिन पहले महेश मंडल ने अपनी पत्नी गीता मंडल को उस संपत्ति के बारे में बताया था जो उसने गीता और अपने तीनों बच्चों सचिन, दिव्या और पूजा के लिए छोड़ी थी। गीता ने अनिरुद्ध के दबाव में आकर बिना किसी को बताए अनिरुद्ध से चुपचाप शादी कर ली थी। जब तक बाबूजी इस दुनिया में जिंदा हैं तब तक हमें शादी को राजी रखना पड़ेगा, पर हम हर रोज तुमसे रात को मिलने आएंगे, उसकी फिक्र तुम मत करना। वो बात का फिक्र हमको कभी था ही नहीं, वो तो हम जानते तुम आओगे, पर दिन में दुनिया का सामने कब आओगे अनिरुद्ध? हमारे बाबूजी की तबीयत जो है ना एकदम खस्ता रहती है, मतलब मुश्किल से साल दो साल चलेंगे बस, उसके पहले कुछ भी बवाल हुआ ना तो खामखा हमको जायदाद से अलग कर देंगे, और हमारे पास जो कुछ भी आएगा वो देविका, सचिन और पूजा का ही होगा ना। उधर शांति से पिताजी इस दुनिया से जाएंगे और हम चुपचाप तुम्हारे पास आ जाएंगे हमेशा के लिए, दिन में दुनिया के सामने, ठीक ना? इस नरसंहार का मकसद क्या था? क्या यह भयंकर साजिश उस खजाने, उस संपत्ति के लिए की जा रही थी जो गीता का पति महेश मंडल गीता और उसके बच्चों के लिए छोड़ गया था, या फिर इस हत्याकांड के प्लान के पीछे कोई और ही कारण था? कटवा दिए ना नाक, कर ली शादी। अरे मजाक कर रहे हो कहा अनिरुद्ध भैया? मजाक तो बनाया बाबूजी ने हमरा, कहते हैं घर के अंदर घुसने नहीं देंगे। हाँ तो ठीक ही तो कहते हैं, हम भी कह रहे हैं मत ही आना घर। अरे जब बिना शादी किए मौज कर सकते थे तो क्या जरूरत था शादी करने का? हमारी बात जरा ठंडे दिमाग से सुन तो लो, बड़ा ऐसा प्लान है ना कि जिंदगी बन जाएगी। अच्छा बोलो, आओ इधर आओ। चाचा देखो, किसी जमाने में हम गीता से प्रेम करते थे लेकिन अब नहीं करते, अब हमारे पास एक प्लान है। हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं। देखो एक तो बड़ा घर और ऊपर से दुगो ठेला, अच्छा चलता भी है भाई। मतलब एक तो बड़ा घर और दूठो दुकान, इसी के लिए ब्याह कर लिए गीता से? घर और ठेला तो हमारी जेब खर्चा के लिए है बस, का खजाना छोड़ गया है मैं इसमें गीता और बच्चों के नाम। तुम सुनोगे तुम्हारी का खजाना है? तुम हमेशा पूछती थी ना इतना कमाया और बाकी का पैसा कहाँ गया है? हम अपना बीमा उतराए थे जिसका किस्त भरने का वास्ते वो पैसा जाता था, जानती हो कि कितना पैसा का बीमा है?
18 लाख, पूरा 18 लाख मिलेगा तुमको। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ना? सच्चाई यही है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। कल हम तुमको अपने जीवन बीमा का सारा कागज दे देंगे और सब कुछ समझा देते हैं, ताकि हम हमारे जाने के बाद तुमको बीमा का पूरा पैसा मिले। ए, 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 समझ गए ना? ब्याज आज मिला के कुल 20 लाख लगे ससुर के हाथ। कौन बताया? वो खुद गीता बताइएगा तुमको। हाँ भाई, उसके बारे में हमको अभी से सब पता है, हमारी बीवी है भाई। तो तुम इस चक्कर में हो कि तुम ब्याह किए हो तो घर ठेला और 20 लाख रुपया सब अंदर कर लोगे? हाँ बिल्कुल, और सारा पैसा का पूंजी बना के हम लोग अपना खुद का धंधा शुरू कर सकते हैं। हम मतलब? हम लोग माने तुम और हम तुम। तो तुम ऐसा सोच रहे हो कि घर ठेला और रोकड़ा सब अपने नाम कर लोगे? दूध बात है का, बेवकूफ़ हो गए हो। अरे महेश सब गीता के नाम पर करके गया होगा। जो गीता हमारे नाम कर देगी, पति है उसके, इतना हक तो बनता ही है हमारा। और नहीं की तो? नहीं की तो करवा लेंगे। कमीने हो तुम, माला माल हो जाओगे तुम। है तुम नहीं, हाँ हम और पैसे से हम लोग ऐसा धंधा शुरू करेंगे कि गांव में सबसे बड़ा आदमी बन जाएंगे। अब गीता और बच्चे? अब गन्ने का रस चूसने के बाद चूसा हुआ गन्ना जेब लेके थोड़ी घूमेंगे, सूख देंगे। जब तक गीता को अनिरुद्ध के असली इरादों के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गीता ने अपने बस में हर मुमकिन तरीके से अनिरुद्ध की चालाक कोशिशों को मात दी। देविका और पूजा सजन के साथ मेला देखने गए का? हाँ कहे नहीं, हम बोले हम घुमा लाते हैं तो हमारे साथ जाने के लिए मना कर देती ना, और हमको काका काका कहते रहते, बाबूजी नहीं बोलते, इतने हमको कब अपनाएंगे? थोड़ा बखत दो, नाजुक उम्र है। और तुम तो हमको पूरी तरह दिल से अपना लियो ना, या तुम भी बच्चों की तरह ऐसे ही कितने? तुम्हारी जो खामोशी है ना, ये छुरा की तरह चुभती है हमको। सवाल ही आसान किए हो, शादी की है तुम्हारे संग भगवान को साक्षी मानकर, और उसी भगवान के मंदिर में हम भी कसम खाए थे कि तुम्हें और तीनों बच्चा लोग की जिंदगी भर जिम्मेदारी उठाएंगे। गीता वक्त आ गया है कि घर दोनों ठेला हमने नाम कर दो। काहे? ये पैसा और जमीन जायदाद जो कुछ भी है सब हमारी जिम्मेदारी है ना, तुम्हारे खाता में जितना पैसा है ना वो सब हमारे खाता में डाल दो, हम सब दिमाग से पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, तुम बस आराम करो और जिंदगी का मजा लो। सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे, पर काहे? क्योंकि हम कह रहे हैं तुम्हारे पति हैं भाई। देखिए कैसे जानवर के तरह मारा है वो। हम बोले थे ना तुमसे, बोले थे ना पहले कि वो आदमी का नियत ठीक नहीं है। गलती हो गई हमसे, जो हो गया सो हो गया। अब बिना देर किए तलाक दे उसको, शादी का रजिस्ट्रेशन किए हो ना? कहाँ, बस मंदिर में 7 फेरे लिए थे पुजारी और भगवान जी के सामने, तो अपने सगे भाई अजीत भैया को भी नहीं बोले कि हमारी शादी हो गई, वो भी अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बोला है। एक तरह से ये ठीक भी है कि शादी का कोई सबूत नहीं है, कम से कम कानूनी तौर पे वो तुमको अपनी पत्नी तो नहीं बोल पाएगा। तो अब दूर करो सारे को, तोड़ो सारा रिश्ता नाता, पर एक बात का ध्यान रखो, अपना जान का हिफाजत करो और अपने बच्चा लोग का हिफाजत करो, उस ससुरा कोनो हद तक जा सकता है। बिना सर्टिफिकेट के तुम बैलगाड़ी भी नहीं चला सकते, और शादी तो जीवन की रेलगाड़ी है। अच्छा तो अगर सर्टिफिकेट पेश करें तो क्या मिलेगा हमको? जाली सर्टिफिकेट होगा तो सजा मिलेगी, असली होगा तो इंतजार मिलेगा। इंतजार मतलब? समझे नहीं। आपकी पत्नी भगवान की दया से स्वस्थ है, जवान है और सारे जायदाद की मालकिन है, अब खुदा न खास्ता कुछ होता है तो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, वरना उनके बुढ़ापे और देहांत तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर सर्टिफिकेट ना हो तो? अरे भाई अभी वही बात तो कर रहे थे कि नहीं होगा तो क्या होगा, अब दोबारा मत पूछना। तो वकील साहब अगर सर्टिफिकेट ना हो तो क्या मिलेगा हमको? ठेंगा, ठेंगा मिलेगा। आपकी पत्नी के देहांत के बाद सारी जायदाद बच्चों को चली जाएगी। तो लाखों की भूतनी लातों से भी नहीं मान रही,
मानना तो पड़ेगा, बहुत मेहनत किया हमने और हम अपनी मेहनत इसे बर्बाद नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं ना भैया। हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि रास्ते में चार कांटे हैं और चारों को एक साथ साफ करना पड़ेगा। गीता, सचिन, देविका और पूजा, इन चारों को मारना ही पड़ेगा तब जाके सारा माल मेरा हो पाएगा। मेरा? ये हमारा से मेरा कैसे हो गया? अबे कानूनी तौर पे मेरा, वैसे तो हमारा ही है। तो कितना तुम्हारा कितना मेरा है? कितना चाहिए तुमको? पहले वाला हिसाब नहीं होगा। अब ये रोटी का एक टुकड़ा दे दिए बाबूजी से बात छुपाने के लिए कि शादी होगी तुम्हारी गीता से। रोटी का कितना बड़ा टुकड़ा चाहिए तुमको? मैं रोटी बीच में से फटेगी, आधा तुम्हारा आधा मेरा। लालच ने इंसानियत का गला काटा। एक ऐसी साजिश रची गई जिसमें बड़ी क्रूरता बड़ी निर्दयता से सुजीत एक माँ और उसकी दो मासूम बच्चियों के गले काटने वाला था। आरती शुरू हो चुकी थी, सुजीत गीता के घर में दाखिल हो चुका था और गीता ने उसे देख भी लिया था। बस अब आरती के शोर में नरसंहार होना बाकी था। क्या बात है सुजीत, और ये चोरन की तरह अंदर कहाँ आ रहे हो? क्या वो काम हो गया? हाँ काम हो गया है, तुम्हारा हाथ बहुत कट गया है। क्या वो ज़्यादा लग गया क्या? हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अब जाइए हम संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है, अभी तुम किसी डॉक्टर के पास मत जाना, घर में जाना, इस पर हल्दी लगा के पट्टी कर लेना। ठीक है अभी सचिनवा बाकी है। सचिनवा के देखते हैं, वो थक गए, दिमाग सुन हो गया है, थोड़ा आराम कर लेते। और चक्कू कहाँ है और तुम्हारी भूसड़ कहाँ है? चक्कू नदी में फेंक दिए, बुशर्ट में भी खून लग गया था, उसको भी नदी में फेंक दिए। एक काम करो तुम जाओ, हम इसके आगे का देखते हैं। गीता, गीता, हे गीता, यशवंत भैया, यशवंत भैया, हे यशवंत भैया, यशवंत भैया, यशवंत भैया, कहाँ है अनिरुद्ध? यशवंत भैया कहाँ है? कोई बात है का? क्या हुआ? यशवंत भैया गीता और तीनों बच्चे कहाँ है? घर में होंगे, नहीं तो बाहर होंगे, हमको क्या पता वो लोग कहाँ? अरे बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहे, कोनो जवाब नहीं मिल रहा हमको। सो रहे होंगे, नहीं तो बाहर होंगे। लेकिन कोनो सोने का समय थोड़ी ना है, तो बाहर होंगे। अगर बाहर जाते तो कम से कम दरवाजे पे ताला लगा के जाते ना, दरवाजा अंदर से बंद है। हमको काहे बता रहे हो ये सब? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है भैया, चलिए देखिए ना क्या माज रहा है। हम काहे आए भैया, तुम्हारा मामला है तुम समझो। वैसे भी हमको नींद आ रहा है, हमारा सोने का समय है। अब देखो हमको तुम्हारे साथ आना ही नहीं है। चलिए सुनिए तो, चलो यशवंत भाई बात तो सुन लीजिए। यशवंत भाई सुनिए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत हुआ है? क्योंकि साहब हम गीता के घर पे वापस आए, उसका दरवाजा खटखटाए और सब कई बार खटखटाए मगर हमको कोई जवाब नहीं मिला। इतने दिनों में ऐसा पहली बार हुआ साहब। और गीता के जेठ ऐसे बगल में रहते हैं साहब, हम उनके पास गए, उनको कहे कि दरवाजा अंदर से बंद है, आप पता नहीं काम आ रहा है, चलिए देखिए, तो अजीब तरीके से पेश आ रहे हैं, मतलब आने से इनकार कर दिया साहब। तो फिर क्या किया तुमने? फिर हमने सर आपको फोन लगा दिया तुरंत। सर पिछले आधे घंटे से हम दरवाजा खटखटा रहे लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही है, दरवाजा अंदर से बंद है सर। सिन्हा तोड़वाओ। क्या हो रहा है? पुलिस दरवाजा तोड़ रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हटो तो हटो। आप रुकिए, कुछ बखेरा खराब हो जाएगा, आप समझते का है नहीं? सर ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लगता खाना खा रहे थे। साहब काम से अपने घर गए, वहां से नहा धो के तीनों बच्चे लोग और गीता से मिलने आए तो कोनो दरवाजा नहीं खोला साहब। गीता पत्नी थी तुम्हारी? हाँ सर, गीता मेरी पत्नी है। अब खुद डर है मेरे सचिन के साथ कहीं वैसा कुछ ना कर दे। सचिन? कोई सचिन भी है इस घर में? हमने सचिन कहा साहब, सचिन, सचिन, सचिन। सर्च करो पूरा।
घर में जबरदस्ती घुसने का कोई भी निशान नहीं मिला। लगता है कातिल छत से दाखिल हुआ था। और सर, खून के निशान अगले घर के छत तक जाते हैं और उसके बाद नीचे। ये बाजू वाला घर यशवंत मंडल का है। हाँ सर, यशवंत का है। नहीं 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 साहब, नहीं साहब, हम डर गए थे साहब। मासूम बच्चों और एक औरत का कत्ल करने के बाद कैसा डर यशवंत मंडल? नहीं साहब, हम तो एक चुहा भी नहीं मारे हैं अभी। हाँ साहब, गीता गीता इनके छोटे भाई महेश की पत्नी थी, वो बच्चे भी उनसे ही थे साहब। ये काहे मारेंगे साहब? वो तो हम यशवंत जी से पूछेंगे, वो भी पीट पीट कर। पहले ये बताइए, सचिन कहाँ है? मतलब उसकी लाश कहाँ है यशवंत मंडल? क्या कह रहे हैं साहब, आपको कोई गलत फहमी हो गई है साहब। सचिन तो वहाँ दिव्यपुर में हॉस्टल में पढ़ता है साहब। हमको कुछ नहीं मालूम साहब। कुछ तो जरूर मालूम है यशवंत मंडल, एक तो तुम अनिरुद्ध के साथ गए नहीं, तीन तीन मर्डर को लेकर लोगों की नींद उड़ गई थी, मरने वाली औरत तुम्हारे मरहूम भाई की बीवी थी, दोनों बच्चियां तुम्हारी भतीजियां थी और तुम घर से बाहर ही नहीं निकले। हम रोके थे साहब, हमको लगा कि कोई कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए साहब। तीन तीन लाशें बेच गई और अब बखेड़ा खड़ा होने की बात कर रही है? नहीं साहब। शर्मा साहब, ये क्या हुआ साहब? साहब कुछ नहीं किया साहब। ये क्या हुआ साहब? हाँ भैया, आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। अच्छा सुन, तुम एक काम करो, जल्दी से दिव्यापुर पहुँचो, सचिनवा का काम खत्म करो। कि पुलिस को पता चल गया है कि सचिनवा दिव्यापुर में है। इससे पहले कि पुलिस जाए उसको बचाए, तुम उसका काम खत्म करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन आप, हमको पुलिस बुलाई है, हम जा रहे थाने, वो उनको बयान चाहिए हमारा। ठीक है, अभी तुम देर मत करो, निकलो, जाओ जल्दी से। ठीक है, बोल रहे आप सर। बेटा, मुझे बताते हुए खेद हो रहा है कि तुम्हारी अम्मा और दोनों बहनों का कत्ल कर दिया गया है। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ आना होगा, शिवनाथ पुलिस स्टेशन। बड़ी ही शातिरता से अनिरुद्ध ने यशवंत को इस केस में संदिग्ध बना दिया था। अब जिम्मा यशवंत पर था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करता है। अनिरुद्ध की वजह से गीता के लिए यशवंत को जिस बात का डर था वो बात सच हो गई। दूसरी तरफ एक और षड्यंत्र पंख फैला रहा था। साहब आप मारिए पीटिए, कुछ भी कीजिए साहब, जो बात हमको मालूम है नहीं है साहब, वो जुबान पे कैसे आएगी साहब? तुम्हें ये नहीं मालूम है कि हमें मालूम है कि तुमने गीता और बच्चियों को क्यों मारा? मालूम है क्यों? वो एक चीज जो हर दूसरे जुर्म की जड़ में होती है और वो है पैसा। नहीं साहब, नहीं। महेश ने जो कुछ गीता के नाम पर रखा था तुम उसे हड़पना चाहते थे। हम नहीं साहब, वो अनिरुद्ध ऐसा करना चाहता था तो मैं वो गीता चचा ने किया था। आप उसको गिरफ्तार करो, एक नंबर का है वो। हमको पहले से ही डर था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। हम गीता को आगाह भी किए थे। साहब, यशवंत की पहले से पूरी नजर थी हमारी गीता पे, ये बात हमको गीता ने खुद बताया था। पिछले दिनों महेश भैया के जीवन बीमा का पैसा मिला था ना 20 लाख, उसको हड़पने के चक्कर में था। लेकिन उसका तो कुछ और ही कहना, ये सिर्फ पैसे के लिए तुमने चुपचाप उसे शादी कर ली और बहुत मारते पीटते तो तुम उसे, ताकि घर पैसा ठेला सब कुछ तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो जाए। हे भगवान, हे इंसान, ये यशवंत इस हद तक गिर जाएगा हम कभी सोच भी नहीं सकते साहब। भगवान कसम, हम कभी अपने गीता को पैसे के लिए मारे ना तो हमने जबान कट जाए साहब। प्यार करते थे साहब हम उसको, और वो भी हमसे करती थी। और साहब, चुपके शादी इसलिए किए थे क्योंकि वो तीन बच्चों की अम्मा थी, समाज में लोग हम पे उंगलियां उठाते, हम काफी खुश थे साहब और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन यशवंत से हमारी खुशियां देखी नहीं गई, उसका सारा पैसा सारा प्रॉपर्टी खुद के लिए चाहिए था साहब। और तुम्हें लगता है कि सारे खून यशवंत ने किए हैं? बिल्कुल किए होंगे साहब, वो एक नंबर का झूठा फराडिया है। आप उसके भोली सूरत और बर्ताव पे मत जाइए साहब, और उसके साथ उसका कोई साथीदार भी होगा साहब। और हमको तो डर है कहीं कहीं वो अपने सचिन के साथ भी ऐसा कुछ ना कर दिया। भैया, ओ गार्ड भैया। हाँ हाँ हाँ, जरा सचिन मंडल को बुला दीजिए ना। आप कौन हैं? हम चचा हैं उसके। ओ, यशवंत मंडल हमारे दोस्त हैं, गांव में बहुत अनर्थ हो गया है, उसकी अम्मा और दो बहनों का कत्ल हो गया है। हाँ मालूम है हमको,
फोन आया था सचिन मंडल को, बहुत रोता था बेचारा। हाँ, जल्दी बुला दीजिए ना, उसको काका के पास ले जाएंगे। अरे वो तो रात 11 बजे के बस में बैठ के ही चला गया, जब भी फोन आया था वार्डन साहब खुद ही गए थे उसको बस में बिठाने के लिए। अरे भैया जल्दी चलाओ यार, बच्चा अकेले बस में होगा, उसकी तो हालत खराब हो गई होगी अम्मा और बहन के बारे में जानकर। जल्दी चलो, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, जल्दी चलाओ। साहब आपको लगता है कि मेरी बहन गीता का और उसके दो मासूम बच्चियों का कत्ल यशवंत ने किया है? लगता तो ऐसा ही है, यशवंत अभी कुछ कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन गीता के घर से खून के धब्बे सीढ़ियों से होते हुए उसकी छत तक जाते हैं और वहां से सीधे नीचे उसके घर तक। बीमा का पैसा, घर, दो ठेले, इन चीजों के लिए यशवंत ने मेरी बहन गीता का उसके दो मासूम बच्चियों को मार डाला? अभी तक तो यही कारण लग रहा है इस ट्रिपल मर्डर का। वैसे आपकी बहन गीता ने जो अनिरुद्ध से चोरी छुपे मंदिर में शादी की थी उसके भी खिलाफ था यशवंत। क्या गीता ने अनिरुद्ध के साथ शादी की थी? आपको ये बात नहीं मालूम थी? नहीं साहब, हमको नहीं मालूम था और गीता ने भी इस बारे में एक शब्द भी मुझसे नहीं कहा। हेलो अनिरुद्ध भैया, मिला क्या? काम हुआ? नहीं नहीं मिला, काम नहीं हुआ। अरे हमारे पहुंचने से पहले ही उसको खबर लग गया था और वो बस पकड़ के घर निकल गया। कोई बात नहीं, इसको कहाँ हो तुम? घर के पास ही है। ठीक है, तुम घर जाओ, थोड़ा आराम करो, हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे, फिर सोचते क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है ठीक है। वो हमारी हिरासत में बेटा, हम उससे सब कुछ उगलवाएंगे। लेकिन यशवंत अब ऐसा क्यों करेंगे? बेटा अनिरुद्ध ने पुलिस को बताया कि यशवंत वो बीमा के पैसों के पीछे पड़ा था जो तुम्हारी अम्मा को मिला था तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद। नहीं नहीं, यशवंत ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है क्या लगता है सचिन? सर कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध काका हमारे हॉस्टल आए थे हमें लेने, और वो भी माँ को बिना बताए। क्या? जी सर। सचिन वक्त पर पुलिस स्टेशन पहुंचा और फिर पोस्टमार्टम रूम पर, और वहां पुलिस को सब कुछ बता पाया। उसने बताया पुलिस को कि किस तरह अनिरुद्ध से उसे खतरा था और किस तरह अनिरुद्ध उसे लेने आया था, लेकिन उस वक्त उस मासूम 13 वर्षीय लड़के को मालूम भी नहीं था कि असल में अनिरुद्ध का कितना भयंकर प्लान था। सुजीत गुप्ता है घर पे? हो रहा है, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? अरे उनको रोकिए ना। कौन? क्या हुआ? अरे कौन है? क्या हुआ? आप काहे पीछे पड़े हमारे बेटे के? पुलिस को बहुत ही कम समय और मेहनत लगी सुजीत की जुबान खुलवाने में। उसने भयंकर नरसंहार की पूरी प्लानिंग पुलिस के सामने रख दी। अनिरुद्ध भी पुलिस की थर्ड डिग्री को सहन नहीं कर पाया और उसने कबूल कर लिया उस सारे ढोंग को, उस प्यार और शादी के नाटक को जो उसने गीता से सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी हटने के लिए किया था। फिर उसने पुलिस को अपना प्लान भी बताया कि किस तरह वो सारा जिम्मा यशवंत पर डालने के बारे में सोच रहा था। यशवंत को रिहा कर दिया गया लेकिन वो बुरी तरह से हिल गया था, उसे लगभग आरोपी ठहरा ही दिया गया था। यशवंत मंडल और उसका परिवार रिहाई के दूसरे ही दिन घर और वो गांव छोड़कर दूसरी जगह बस गए ताकि उन पर कोई उंगलियां ना उठे। सचिन ने अपनी अम्मा और दोनों बहनों का अंतिम संस्कार कर दिया। सचिन फिलहाल अपने मामा अजीत की देखरेख में है। हमको तो एक लंबे अरसे से लग रहा था कि हमारा अनिरुद्ध पगला गया है, बहुत कड़वा हो गया। हमको तो लगता है
अनिरुद्ध ने कहा है सुजीत को। अनिरुद्ध सुजीत से ना कहता तो अनिरुद्ध खुदा ये भयंकर काम किसी और से करवा लेता, अनिरुद्ध सुजीत से ना पूछता तो सुजीत किसी और के लिए ये खून वून कर देता। सच्चाई तो यही है कि हमारा दोनों बेटा शैतान निकले, क्या हमें कोई कमी थी? परवरिश में हमारे खून में हर कदम पर इशारे मिल रहे थे कि अनिरुद्ध के मन में बहुत बड़ा खोट है। इसके पहले लक्षण तब नजर आए थे जब उसने अपने ममेरे भाई महेश के जिंदा रहते हुए भी उसकी पत्नी गीता पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। महेश के देहांत के बाद गीता को कई बार वार्निंग्स मिली थी अपने जेठ यशवंत मंडल से, लेकिन खुफिया शादी के बाद गीता की खुद समझ में आने लगा था कि उसने गलती की है। लेकिन जरूरत थी कि गीता अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत का इंतजाम करती। काश अनिरुद्ध द्वारा हिंसा की पहली घटना के तुरंत बाद गीता ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की होती, क्या पता सजा के डर से अनिरुद्ध बेहतर पेश आता, या शायद इस हद तक जाता ही नहीं। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी, गीता को यह बात समझ में आई, लेकिन अपनी बच्चियों पूजा और देविका के बचाव का इंतजाम करने के पहले ही तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया। गीता, देविका और पूजा की कोई गलती नहीं थी, वो बस एक आदमी के लालच की हदों से अनजान थी। इस बात से अनजान थी कि वो शॉर्टकट द्वारा दौलत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अनिरुद्ध और सुजीत को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है और दोनों भाई फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। गीता की सारी प्रॉपर्टी और संपत्ति को उसके बेटे सचिन के नाम कराए जाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। हर कोई और कोई भी बुरे से अच्छा बन सकता है, बस उसे अवसर मिलना चाहिए कि उसे लोगों का भरोसा मिले। पर एक बार कोई भरोसा तोड़ता है, विश्वासघात करता है, फिर दूसरी बार करता है, फिर एक लाइलाज बीमारी बन जाती है दगाबाजी, और हर गले मिलने वाले को पीछे से छुरा खोपने की आदत हो जाती है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।